वहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। कल हरदोई में अखिलेश यादव और ओपी राजभर एक संयुक्त जनसभा करेंगे। हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र में अतरौली के झाबर मैदान में होने वाली जनसभा में अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि जनसभा की कमान ओम प्रकाश राजभर संभालेंगे। कल होने वाली रैली को ऐतिहासिक होने का दावा करते हुए सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि इस रैली के बाद हरदोई की सभी 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय हो जाएगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी। एक ऐतिहासिक रैली जो है ये बुंदेलखंड इलाके में कांग्रेस की होगी। जिस प्रकार से बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका जी की एक विशाल रैली हुई थी, प्रतिज्ञा रैली, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में रैली हुई थी, उसके बाद ये तीसरी बड़ी रैली जो है जो महोबा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है, और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग, आसपास के सारे हमारे लोग यहाँ पे आएंगे। वहीं कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के महोबा में एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका की जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं, और कांग्रेस की कोशिश है कि कल की जनसभा में भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवा पाए, जिसके लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने अल्पसंख्यक समुदाय को जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। कल महोबा के छत्रसाल स्टेडियम मैदान में होने वाली कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश तिवारी का दावा है कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से ज्यादा भीड़ आएगी। वहीं मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सपा रालोद गठबंधन पर तंज कसा, कहा यह कोई नई बात नहीं, इससे पहले 2014, 2017 और 2019 में गठबंधन किया गया, लेकिन जनता कानून का राज चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि जिन्ना की बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रहकर काम नहीं किया। देखो, ये कोई नई बात नहीं है, 2019 हो, 2017 हो या 2014 हो, 2019 से तो 19 में तो इससे बड़ा गठबंधन था, लेकिन प्रदेश की जनता आज कानून की राज चाहता है। इनको अपने पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रह के काम नहीं किया, उनको जिन्ना जी के बारे में याद आ रहे, उनको मुबारक। हम तो गरीब कल्याण के काम पे, सर्व समाज के विकास पे, कानून की राज पे चुनाव लड़े।